किस तरह से बीजेपी बढ़त लगातार बनाए हुए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। सबसे पहले हम बात बड़ी खबर किस वक्त करेंगे, 2013 के बाद अलग स्थिति इस बार नजर आई। बीजेपी 167 सीटों पर आगे चल रही है, 62 सीटों पर सिमटी है कांग्रेस। तो बड़ा अंतर इस बार देखा गया है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की बंपर जीत दर्ज की गई है। नतीजे अब आ चुके हैं, कई सीटों पर हमने देखा बहुत ज्यादा बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और 2013 के बाद बीजेपी की ये सबसे बड़ी जीत है ऋतु, और 167 सीटों पर आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी। एक इतिहास एक बार फिर से यहां पर बदला है या दोहराया है, ये जनता तय करे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ये बंपर जीत, हालांकि अभी कुछ सीटों पर रिजल्ट क्लियर होना बाकी है, लेकिन जो अंतर बनाकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ रखा हुआ है, वो अंतर मुझे लगता है कि ऋतु अभी यहां पाट पाना कांग्रेस पार्टी के लिए काफी मुश्किल हो चला है। आशीष, बड़ी बात हम ये देख सकते हैं कि ये पूरे चुनाव में हमने देखा कि कितनी भी बड़ी बड़ी बातें की गई, चेहरों पर खेलने की बातें की गई, पर चेहरा काम नहीं आया। कांग्रेस ने इसी भरोसे चुनाव लड़ा कि शायद छत्तीसगढ़ में भी चेहरा बीजेपी में नहीं रखा है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं रखा है, मध्य प्रदेश में भी नहीं रखा है, हल्के में सारी चीजें ली, पर वो भारी पड़ गई आशीष। बिल्कुल, और दावे मुद्दे कहीं ना कहीं हावी रहे, और लाडली बहना योजना जिस तरह से हावी रही, बहनों ने खुलकर प्यार लुटाया मामा पर। ऋतु चूंकि स्वयं महिला है इसलिए महिलाओं की बात उन्होंने छेड़ दी है, और ये स्टैटिस्टिक्स में भी वो आंकड़े नजर आ रहे हैं जो कि महिलाओं के प्रति जो कार्ड यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक सहानुभूति का खेला, लगातार महिलाओं के हित में योजनाएं चलाई, जैसा कि ऋतु ने जिक्र किया लाडली बहना योजना का जिक्र किया उन्होंने, लाडली लक्ष्मी योजना है, और इसके अलावा जो केंद्र सरकार बिल लेकर आई महिलाओं के हित में, स्टैटिस्टिक्स में ऋतु देखिए वो स्थिति बिल्कुल नजर आ रही है। इसके जरिए भी दर्शकों को दिखा देते मध्य प्रदेश की स्थिति की अगर हम बात करें, 2018 की हम बात करें, 114 सीटें और उसके बाद 62 सीटों पर इस वक्त सिमटती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों पर 2018 में थी, तो 2023 में 167 सीट लेकर अभी यहां पर आगे बढ़त बनाए हुए ऋतु। लेकिन अभी अगर बात करें मुद्दे दावे सब पीछे रह गए हैं, इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, मोदी मोदी, हर कोई श्रेय जो है वो मोदी को दे रहा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी नारा जो है नारा लगाया था शुरू से ही, और वो नारा कहीं ना कहीं धरातल पर हमें देखने को मिला, और मोदी पर भरोसा, जो मोदी ने खुद भी कहा था मोदी पर भरोसा है जनता को, वो भरोसा कहीं ना कहीं दिखा दे। छत्तीसगढ़ का स्टैटिस्टिक्स है, और इसमें जो 2018 में 68 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी वो अब ऋतु 34 पर सिमटती नजर आ रही है। हाँ, वही ये तस्वीर बीजेपी की भी हम आपको दिखा दें, यहाँ पर 40 प्लस की बात की गई। हम 2018 की बात करें 15 कहीं ना कहीं नजर आई थी, 2023 की हम बात करें तो यहाँ पर 55 सीटें जी नजर आ रही है, बढ़त बनाती हुई लगातार बीजेपी अब नजर आ रही है। और फायदा देखिए यहां पर नुकसान कांग्रेस पार्टी को 34 का हुआ है, और 34 सीटें कांग्रेस के हाथ से गई है ऋतु, जबकि 40 सीटें प्लस में बीजेपी यहां नजर आ रही है। यहां पर यह फैक्टर हम मान सकते हैं कि जैसा भरोसा जताया गया कि दिग्गजों को मैदान में उतारा जाए, दिग्गजों का असर तो साफ तौर से देखा ही गया, पर हम जिस तरह से पहले जिक्र कर रहे थे कि शायद फ्रंट पर नहीं लाया जाएगा, इसी बीच बड़ी खबर, 55 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 55 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 34 सीटों पर कांग्रेस सिमट चुकी है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है, पिछली बार हमने देखा था अन्य के खाते में ज्यादा सीटें आई थी, पर इस बार नहीं है, इस बार भरोसा नहीं जताया गया। इस बार छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर हुआ है जैसा कि ऋतु बता ही रही हैं, और 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, जिसमें से कई सीटों पर अब मैंडेट क्लियर भी होता नजर आ रहा है, और लगातार इस सीट को लेकर के, इन बातों को लेकर के जो अपडेट्स आ रहे हैं वो तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन इस बार की जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी हम आपको बताते चले। स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, ये छत्तीसगढ़ की स्टैटिस्टिक्स है, 68 सीटें 2018 में जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, जबकि 2023 की जो तस्वीर है वो काफी बदल चुकी है, 34 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, और 34 सीटों का ही नुकसान कांग्रेस पार्टी को यहां हो रहा है। वहीं बीजेपी